अनीता जस्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम समय में। पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दीजिए। गर्म होने के बाद इसे इसमें डालिए सरसों, राई भी कहते हैं सरसों भी, इसे सरसों डालिए। सरसों डालने के बाद जब सरसों चटक जाए तो चटकने के बाद आप इसमें भिंडी डालिए। इसे अच्छे से पहले धोकर पानी उसके बाद वरना चिपकने लगाए, भिंडी कितने अच्छे से चिपक लगे हैं। बहुत ही कम समय में भिंडी बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चे लोग के तो खास करके भिंडी पसंद होते हैं। देखिए भिंडी जब भुंजा जाए उसके बाद इसमें नमक डाल देते, नहीं तो साथ में नमक डाल दीजिएगा तो भिंडी चिपचिपा हो जाता है। अहम मसाला है हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्च। पहले सूखा मसाला था, पहले भी उसे रखते थे, उसमें भी रखेंगे तो अच्छा से मिर्च भी जाते हैं और उसके लिए नमक आते हैं। पहले भिगो कर रखने से ज़्यादा अच्छा बनता है, कितने अच्छे भून जा रहे हैं। तो भूनने के बाद इसी तरीके से भी आप खा सकते हैं। अगर नहीं ग्रेवी अलग पसंद है तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल दीजिए, तब अच्छा हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे भून जा रहे हैं। रोटी के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, बच्चे लोग को बहुत पसंद आता है। टिफिन में तो अगर देना है तो इसी तरीके से भून कर बच्चे लोग को देखिए पराठा और भिंडी। बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसा पानी अपना जितना ग्रेवी रखना है उससे से तो सूखा सब्जी भी ठीक लगता है, पर मैं आज ग्रेवी वाला सब्जी हल्का बना रही हूँ। हमारा सब्जी तैयार हो चुका है। चैनल को लाइक कीजिए।